अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा लॉजिक है वो है जी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहले जिक्र होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, वो क्लास को इनहेरिट किया जाता है और ऑब्जेक्ट क्लास आपको सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन दे सकती है। इसकी बॉडी जो है वो इनहेरिटेड क्लास के अंदर, जो ड्राइव क्लास होगी सॉरी, उसके अंदर जो है वो बनाई जाती है इसकी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई बेस नाम से, इसको इनहेरिट किया इनहेरी वाली क्लास के साथ, यानी कि बेस पेरेंट हो गई, अब जो इनहेरी है वो चाइल्ड हो गई। इनहेरी क्लास के अपने दो डेटा मेम्बर्स बनाए, वैल्यू गेट का फंक्शन बनाया गेट डेटा के नाम से। ठीक है, अब ये वो फंक्शन है एरिया का जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया है बेस क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने, बॉडी जो है आपने ये बनाई है, क्या हो रहा है, लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होने के बाद रिटर्न हो रहे हैं। अब इस फंक्शन की जो डेटा टाइप है वो इंट है, यानी कि जो चीज़ रिटर्न होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। और यहाँ पर एक आपको ओवरराइड का कंसेप्ट नज़र आ रहा है, एक वर्ड नज़र आ रहा है। अब ओवरराइड क्या होता है, ओवरराइड ये होता है कि आपका एक ही फंक्शन एक ही क्लास में, सॉरी एक से ज़्यादा क्लास में सेम नाम से, सेम ऑब्जेक्ट टाइप से, तादाद के हिसाब से भी सेम हो, टाइप के हिसाब से भी सेम हो, आर्गूमेंट्स की तादाद और टाइप एक जैसी हो, एक से ज़्यादा क्लास में यूज़ हो रहा हो, तो उस फंक्शन को हम फंक्शन ओवरराइड कहते हैं, उस कंसेप्ट को। ठीक है, यानी कि एक ही फंक्शन एक ही नाम से, एक ही आर्गूमेंट की तादाद से, एक ही आर्गूमेंट की टाइप से, एक से ज़्यादा क्लासेस के साथ यूज़ हो रहा है, उसको ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने इनहेरी का ऑब्जेक्ट बनाया डबल आई डबल एन के नाम से, इंट के नाम से आर ई एस का बनाया। अब आई डबल एन ऑब्जेक्ट के जरिए गेट डाटा किया और आई डबल एन के जरिए हमने एरिया वाले फंक्शन को कॉल किया। अब क्योंकि रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा जो आर ई एस के अंदर स्टोर होगी, और अब हमने आर ई एस को डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।